एक्चुअली सबसे पहले तो आप सब आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे कोई बहुत मीडिया रिलेटेड प्रोग्राम तो नहीं था, ये एक तरह से हमारा इंटरनल छोटा सा मैटर था, बट आप सब आए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बैक इन दिसंबर हमने प्लान किया था कि जो हमारा ड्रग यूज़ का इशू है ईटानगर में, तो उसमें शुरू से मेरा एक कोशिश रहा है कि जो यूज़ है और जो लड़के जो इस लड़के लड़कियां जो हमारे बच्चे इसमें प्रॉब्लम में गए हैं, तो एक तरह से उनके लिए ये एक डिज़ीज़ भी है और बहुत ही मुश्किल डिज़ीज़ है जिससे निकलना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है, तो उसको उसमें हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट करें, ये मेरा हमेशा से एक कोशिश रहा है। तो उसी के चलते हमने प्लान किया कि कुछ अगर हो सके तो हम कुछ लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहेंगे। तो एक हमने टीम फॉर्म किया, देन हमने रिकवरी वेलनेस सोसाइटी जो कि गुवाहाटी में रिहैब सेंटर रन करता है, उनके प्रोजेक्ट हेड अनुपम रोहित हैं, उनसे बात किया एंड दे वेर वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने एग्री किया कि हमारा साथ देंगे। तो अकॉर्डिंगली वी फॉर्म द टीम इन ईटानगर पुलिस, जिसमें हमारे SDPO ईटानगर सिकॉम एंड SDPO नाहरलगुन गुमजा और जितने भी OCs हैं, और स्पेसिफिक एक हमने अलग से टीम भी बना लिया। हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन लड़के हैं बच्चे हैं जिनको हम मदद कर सकते हैं, एंड पहले हमने पुलिस स्टेशन में ओरिएंटेशन कराया, फिर एक 3 डे डिटॉक्सिफिकेशन कैंप कराया जो कि रिकवरी वेलनेस सोसाइटी की तरफ से हुआ, एंड ऑल दो पार्टिसिपेशन कम होता गया लेकिन फाइनली देयर वर 9 पीपल जो कि एग्री हुए कि जाना चाहेंगे फर्दर रिहेबिलिटेशन के लिए। तो रिकवरी वेलनेस सोसाइटी से हमने नेगोशिएट किया एंड दे वर वेरी काइंड कि उन्होंने जो रेट्स है उसको भी काफ़ी लो कर लिया, कुछ को तो उन्होंने फ्री में ही ले लिया अपनी तरफ से। इस तरह से करके वी वर एबल टू कंप्लीट दिस प्रोग्राम ऑफ 3 मंथ्स। January 19 को गए थे, अभी 27 अप्रैल है, सो सक्सेसफुली कंप्लीट करके आ गए हैं। अभी 9 लोग हैं, 2 अभी गुवाहाटी में ही हैं, दे आर कंटिन्यूइंग एंड वहीं पे रहना चाह रहे हैं गुवाहाटी में ही, बाकी जो है यहाँ 7 आए हैं। उसमें से फिर मैं ये चाहूँगा, मेरा सिंपल इसमें कोशिश यही है कि आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत बड़ा कुछ सक्सेस है, ये सक्सेस फिर हमारा भी नहीं है, दिस इज़ जो बच्चे गए हैं उनका बेसिकली सक्सेस है, तो उनके लिए दिन है, तो वी थॉट कि जब इतना मेहनत करके आए हैं तो उनको हम एक तरह से वेलकम कर दें, तो ये एक तरह का वेलकम बैक प्रोग्राम था उनके लिए। और माई मैसेज टू देम इज़ कि जस्ट टेक इट एज ए स्टेपिंग स्टोन टू फर्दर ग्रेटर थिंग्स एंड बेटर थिंग्स इन योर लाइफ एंड उससे आगे बढ़ें। बाकी हम लोग कोशिश ये भी कर रहे हैं कि जो नारकोटिक्स एनोनिमस है जो कि एक सपोर्ट ग्रुप होता है, उसको भी आज से ही शुरू कराने की कोशिश करेंगे। जो भी रिकवरिंग पेशेंट्स हैं या फिर आप प्रॉब्लम में हैं एंड यू थिंक कि कोई सपोर्ट ग्रुप की आपको ज़रूरत है, तो आई थिंक यू कैन जॉइन दी नारकोटिक्स एनोनिमस ग्रुप। इसमें आपका नाम वगैरह सब एनोनिमस रहेगा एंड पुलिस इज़ नॉट रियली इन्वॉल्व, सेपरेट सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे रन होगा एंड यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस, आई थिंक इट विल बी ए गुड सपोर्ट ग्रुप। देन फाइनली विद दिस मेरा एक और कोशिश यही है कि अगर कोई भी पेरेंट्स कोई भी एडिक्ट है जो जिनको लगता है कि यू वांट टू चेंज योर लाइफ एंड मूव टुवर्ड्स ए बेटर प्लेस एंड इफ़ यू वांट एनी हेल्प यू आर फ्री टू कांटेक्ट अस एंड अप्रोच अस। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी अगर हमारे शक्तियों में रहा, हमारे पावर्स में रहा, तो वी विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। एंड ड्रग अब्यूज़ इज़ नॉट जस्ट लीगल इशू, नॉट जस्ट लीगल मैटर और सिर्फ क्रिमिनल मैटर भी नहीं है, इट्स ऑल्सो ए डिज़ीज़ एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसको भी फाइट करने में हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकें उतना अच्छा है। फ्रॉम पब्लिक से अपील यही रहेगा कि अगर आपको कोई ऐसा दिखता है
एंड यू कैन हेल्प, प्लीज़ प्रोवाइड हेल्प। आप अगर स्पॉन्सर भी करना चाहें तो यू कैन डेफिनेटली स्पॉन्सर समवन, हमारे थ्रू कॉन्टेक्ट भी हम करा देंगे। एंड इफ यू फाइंड दैट कोई प्रॉब्लम में है एंड यू थिंक ही और शी नीड्स हेल्प, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट अस एज वेल। तो इसी के साथ फाइनली, क्योंकि ड्रग्स की बात हो रही है, तो आई विल अपील टू एवरी वन, से नो टू ड्रग्स, एंड जस्ट सेइंग नो इज़ नॉट इनफ, वी हैव टू एक्ट एंड इंश्योर दैट nobody gets into this problem. Thank you. Sir, अगर कोई rehabilitation center जाना चाहेंगे तो इससे government से कुछ मदद मिलेगी ना, खुद practice तो मतलब family victim जो है bear करना पड़ेगा जो cost होता है। Rehabilitation दोनों type के run होते हैं, some are government run जिसमें कि all expenses are paid by the government, and some of the centers are private. तो आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं और गवर्नमेंट रन सेंटर्स भी हैं। रिसेंटली आई हैव सीन दैट अरुणाचल गवर्नमेंट इज़ आल्सो गोइंग टू कम अप विद मोर रिहैब सेंटर्स, आई होप दैट इट टर्न्स आउट एज सून क्विकली। सर, सिंस आवर ऑडियंस आर वाचिंग सर, अकॉर्डिंग टू यू सर, हु इज अ ड्रग एडिक्ट सर, व्हाट विल बी योर थॉट, आप इसमें काम कर रहे हैं सर, तो हमारे यहाँ सर हु इज अ ड्रग एडिक्ट सर, हाउ शुड पीपल टेक? First of all, drug addict is also someone who has become a victim of drug abuse, and of course he is committing a crime as per the law, but he is also a patient, it's an illness as well, so we have to understand both the sides of the coin and accordingly try to deal with the think of a solution. आप लोगों ने पुलिस ने काफ़ी जो शक भेजते हैं, आप लोगों ने पकड़ा है, फिर उन लोगों फिर बेल ऑफ हो जाते हैं, फिर शुरू करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सी, दिस इज़ अ टेक्निकल मैटर, क्योंकि वी नीड साइंटिफिक एविडेंस आल्सो, सो समटाइम्स इफ़ द एविडेंस डजंट कम इन ऑन टाइम, दे मेनी ऑफ द पेडलर्स आल्सो गेट बेल, बट देर इज़ नथिंग स्टॉपिंग अस फ्रॉम कैचिंग दम अगेन, एंड ये भी हो रहा है, मे बी यू हैव नॉट फॉलोड दैट लाइक दैट, बट वी हैव बीन कैचिंग पीपल अगेन एंड अगेन, कुछ लोगों को, एंड रेगुलर रूटीनली एक्टिविटी चल रहा है। इस साल भी, लास्ट ईयर जैसे 39 केसेस रजिस्टर हुए थे, सो वन क्वार्टर हैज़ गॉन बाय इन दिस ईयर, वी हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड अराउंड 11 केसेस एंड रिकवर्ड मोर देन 600 grams of heroin and other drugs. So activity continued, and we will keep fighting drugs, narcotics problem as long as we are here, and we will try to wipe out as much as possible. देखिए, मैं सबसे पहले ईश्वर को बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जो और उसका साथ साथ ही साथ आप लोग को जितना भी मेरा पर्सन है, बहुत धन्यवाद। ये समय बहुत अच्छा मौका सबका साथ, मेरा जितना दिल का खुशी और जितना ये था एक्सप्रेशन करने को मिल रहा है, तो स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल वही हम कहना चाहता है, हमारा थैंकफुल है कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल और विच इज़ मेनली इंस्ट्रक्टेड टू स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट को ना इंस्ट्रक्ट करके हमारा ये सब कार्यकर्ता को ये सब चीज़ को शुरुआत करने को दिया है। और जितना भी ड्रग्स एडिक्टेड लड़का या लड़की हो, जितना भी हमारा अरुणाचल में, तो बहुत टू मच, बहुत ज़रूरी से भी ज़्यादा ही हो रहा है आजकल का ये सब समय में, तो उसको हमारा एक एक ऐसे पेरेंट्स का ये सब से हम लोग बहुत तकलीफ और जो भी हम लोग जो फेस करके देखा है वो तो बोल ही नहीं सकता है, बोल के भी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन बहुत ही हमेशा हमारा एक जिंदा रहते हुए भी मरा हुआ जैसे फील करता था, तो उसको ये सबको इतना चिंता बीच में बैठने का समय हमारा ये पुलिस जो इनिशिएट करके हमारा गुवाहाटी में जितना रिहैब सेंटर है और रिकवरी वेलनेस ऐसे कुछ सेंटर है बोल के, यहाँ हमारा अरुणाचल का ये पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ जितना भी सर्चिंग करके और जितना कोऑपरेट करके काम को शुरू करके 6-3 महीना तक गुवाहाटी में रख के सबको अभी जितना अच्छा करके लाया और वहाँ में डिटेक्ट करके लाया और ट्रेन करके लाया और जो क्या करना है अपना काउंसलिंग दे के लाया और समय कैसे ये आपका ये बिताना चाहिए, एक एक घंटा का कैसे वैल्यू रखना चाहिए,
और अच्छा आदमी कैसे बनाना चाहिए, वो सब चीज़ को वहाँ से अच्छा से ट्रेन करके वापस लाया। हमको एज ए पेरेंट्स के हिसाब से पर्सनली और ऑन बिहाफ ऑफ जितना पेरेंट्स का तरफ से हम बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू, एकदम स्पेशली हम ऐसे कहना चाहते हैं। और अभी ये समय में हम ऐसे बिलीव करता है, यानी कि होप करता है, और आने वाला जितना भी समय को, जितना आज यहाँ से गया है, 6-7 लोग है यहाँ गया है, वो लोग अच्छा होके सिर्फ अपना घर में और अपना परिवार का साथ सिर्फ और अपना बिजनेस में, अपना स्कूल में, कॉलेज में, या वो सिर्फ चुपचाप नहीं बैठना चाहे, अपना जितना अच्छा ही चीज़ को वो अपना से दिखाना चाहे, यानी कि अपना लेफ्ट एंड राइट और पड़ोसी को, जितना सोसाइटी का परिवार में वो अच्छा ही चीज़ को दिखाना चाहिए, जितना वहाँ में सीखा है वो दिखाना चाहिए, सो देट कि नेक्स्ट वाला लोग भी वही, माने जो अभी ले रहा है, जो अभी ऑलरेडी एडिक्टेड है, वो लोग भी सोचेगा, समझेगा और दिल से, मतलब ये एकदम दिल से कन्विक्टेड होके वो अपने आप सबमिट करके, नहीं हमको भी जाना चाहिए, और मेरा जितना दोस्त लोग को भी ले जाकर हम वही सेंटर में जाना चाहिए, तो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से जाना चाहिए, सब एक सोचने लगेगा, तब तो पेरेंट्स को बहुत अच्छा होगा। और जो भी, जो कि मेरा कहने का मतलब, जो हो रहा है, जो ले रहा है ना, अभी तक एडिक्टेड है ऑलरेडी, इन लोग को अच्छा से दिखाना चाहिए, जितना वहाँ से ट्रेन अप करके आ गया और ऑलरेडी डिटेक्टेड होकर आ गया, अच्छा लड़का अच्छा लड़की बन के जो आ गया, वो उसको अपने बदन में, अपना सोच में सिर्फ नहीं रखना चाहिए, आप एक दूसरे को दिखा के जाना, वो ये एक हम एज ए पेरेंट्स का हिसाब से हम बहुत खुशी है। मेरा बेटा तो पढ़ रहा है, अभी ग्रेजुएट कम्प्लीट भी नहीं हुआ है ना, तो वो सब में हम लोग एक पेरेंट्स का हिसाब से बहुत देर, दूसरा का कंपेयर में दूसरा लड़का लोग ऑफिसर बन जाता है, अच्छा लाइफ जी जाता है, और सबका पसंद होने वाला, होने का लाइक का लड़का बन जाता है, लड़की बन जाता है, तो हम लोग का ऐसे एडिक्टेड में डूब जाने से हम लोग बहुत तकलीफ है। तो आज हम भी रिपेंट हैं और हम भी बहुत अच्छा ही, बहुत खुशी लग रहा है ना, तो ये सब आपको मीडिया का तरफ से और मेरा जितना सोसाइटी में है, स्पेशली हमारा अरुणाचल और ख़ास करके अराउंड हमारा कैपिटल कॉम्प्लेक्स की ओर से हम बहुत धन्यवाद और बहुत खुशी है आज ऐसे मौका मिला है। और हम जितना लड़का लोग, मेरा स्पेशल मेरा लड़का भी ऐसे सेटिस्फाई करके आया, उसको हम और भी साथ देंगे, और पिछले जितना गुजर गया वो समय को हम याद नहीं दिलाना चाहिए और दोबारा ऐसे याद नहीं दिलाना चाहिए, ये कि ऐसे था वो समय, ऐसे था ऐसे ऐसे करके, ये सब कभी हम जो आने वाला और जो गुजर रहा है वो समय को हम बात करके बच्चा को और बेटा को यहाँ जितना एज ए पेरेंट्स हिसाब से हम ले जाना चाहिए और अच्छा ही अच्छा चीज़ को हम दिखाना चाहिए, वही एक चीज़ में बहुत अच्छा अच्छा चीज़ में बिजी होकर रहने देना है, या फैमिली के साथ में, चर्च ये में, या मंदिर में, या मस्जिद में, कहीं भी वो अपना धर्म निभा रहा है तो उसमें साथ में बच्चा का साथ, मतलब बिजी होने को हम समय देना है, देते देते वो ऑटोमेटिकली और भी आगे बढ़ते रहेगा और सोसाइटी के लिए अच्छा सोचते रहेगा। सर अभी तो आपका बच्चा तो ठीक होकर वापस आ गया, और बहुत सारा अरुणाचल में भी ऐसा ड्रग्स लेने वाला और भी बच्चा लोग, तो उसको आप क्या कहेंगे? वही हम कहना चाहते हैं, मेरा बच्चा जो आ गया, उसको हम मेरा घर में या खाना खाते समय कुछ ऐसे, हम हमेशा हम उसको शिक्षा देते रहेगा और इनक्रेज करते रहेगा कि आपका अड़ोस पड़ोस में जितना भी वो लड़का बहुत ऐसे फैला हुआ है, उसको आप खबर करो, ले खबर करके कलेक्ट करो, कलेक्ट करके हमारा वो जहाँ नो आया, जो जिस इंस्टीट्यूशन से, गुवाहाटी ट्रेनिंग सेंटर से आया है, उसको आप इन्फॉर्म करो, कलेक्टिवली आप ये सब में, मैंने मतलब काम करो, एक्टिविटी करते रहो, आप जितना जानकर आया उसको आप, आपका अच्छा ही चीज़ में आप मूवमेंट करके, जितना जो घिरा हुआ लड़का या लड़की अगर दिखेगा, आप कलेक्टिवली वो इन्फॉर्म कीजिए और हमारा SP ईटानगर कम्प्लेक्स यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट को खबर करके, फिर कोई अच्छाई काम में आप उसको गैदरिंग करके भेजना, वही है मेरा।